आज मैं एक ढोका की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ढोका की रेसिपी मेरे चैनल में पहले भी है। आज मैं एक इजी वर्जन बनाने जा रही हूँ जो कि एक रेडीमेड प्रीमिक्स है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना होता है। सबसे पहले हम इस प्रीमिक्स को कट करेंगे। मैंने इसे कट कर लिया है और इसके अंदर जितनी भी मिक्सचर है दाल वाले उसको हम इस बोल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच शुगर, वन फोर्थ टीस्पून नमक और इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम पानी। थोड़ा सा पानी हम बचा के रखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और पानी नहीं चाहिए। तो मैंने 300 ग्राम पानी यहाँ पर लिया था और उसमें से 50 से थोड़ा ज़्यादा पानी बच गई है, तो उस पानी को हम यूज़ नहीं करेंगे। इसे हम ऐसे फेंट कर 20 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। अब हम जीरा हमने पहले भिगो के रखा है पानी में, इसका जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, तो इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। बीच बीच पे हमें पानी चाहिए होगा तो हम इस पानी को यूज करके जीरा को पीस लेंगे। जीरा हमारी अच्छे से भीगी हुई थी तो हमें ज्यादा पानी यूज करना नहीं है, थोड़े से इसमें पानी डालेंगे और इसे एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। जीरा पीस चुकी है। अगर इस रेसिपी में आप ऐसे पीस के जीरा डालते हो तो बहुत ही इसकी जो टेस्ट है बहुत निखर के आती है। तो हमने इसे पीस लिया है। अब हम चलते हैं आलू को फ्राई करने के लिए। मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। अराउंड 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से तेल को गरम करते हैं। हमारी तेल गरम हो चुकी है। अब हम इस पे डालेंगे आलू। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। क्वार्टर टीस्पून नमक। आलू को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू हमारी भून चुकी है। अब हम आलू को निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में हमारे बैटर जो हमने 20 मिनट पहले भिगो के रखे थे उसको डाल देंगे। डाल देते हैं। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
आप देख पा रहे हो कि अभी ये तले से निकल रही है, एक डो जैसे बन गई है। बस इसी स्टेज में हमें इसे निकाल लेना है और गैस को ऑफ कर देना है। ये अच्छे से एक डो बन गई है। अब हम थाली में तेल लगाएंगे और उसी में इसको फैला देंगे। जैसे हम लोग बर्फी बनाते हैं ना, वैसे ही इसको भी हम फैलाएंगे और कुछ देर के लिए इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये बिल्कुल चिपक नहीं रही है, अच्छे से एक डो बन गई है, तो इसे हम निकालते हैं। सबसे पहले हम थाली को ग्रीस कर लेंगे। साइड से भी हम ग्रीस कर लेंगे, तो हमारी थाली अच्छी तरह से ग्रीस हो चुकी है। अब हम इसमें बैटर को ढाल देंगे। अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसे एक शेप में लाना है। ये जब तक गर्म रहेगी तभी ये अच्छे से शेप लेगी, अदरवाइज बाद में ये चूर चूर हो जाएगी अगर ड्राई होगी और ठंडी हो गई तो। इसी हालत में हमें इसे एक शेप में लाना है। ये ज़रूरी नहीं कि हमें थाली के पूरा थाली ही हम इसमें फैलाएंगे, हम अपने पसंद के अनुसार इसे एक शेप देंगे। हाथ की मदद से हम इन्हें एक अच्छा सा शेप दे देंगे। ये जो प्रोसेस है ये हमें गर्म रहते ही इसे करना है। इसे पलटे से थोड़ा सा इसे शेप दे देंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद हम इसे कट करेंगे। मैंने इसे 10 मिनट के लिए फैन के नीचे रखा था और ये अब ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे अपने मनचाहे पीसेस में कट करेंगे। अब हम इसे डायमंड शेप में कट करेंगे। तो हमारे ये पीसेस कट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ये आप देख सकते हो डायमंड शेप में हमने इसका थिकनेस, मैंने इसमें इतना रखा था। अगर हम इसे पूरा थाली में फैला देते तो ये इतनी थिकनेस हमें नहीं मिलती। तो जितना हमारा बैटर है उसी के अनुसार हमें इसको फैलाना है। तो निकाल लेते हैं सारे पीसेस को। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। अच्छी तरह से सारे पीसेस बन गए हैं, इसकी एकदम पकड़ मजबूत है। सब पीसेस को अब हम अलग अलग कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। आलू भूनने के बाद जो तेल बची थी उसको भी हम यूज कर लेते हैं। थोड़ी सी तेल इसमें चाहिए। ऑयल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम इनमें डालेंगे हमारे कटे हुए पीसेस को। जितने भी पीसेस है उसके हाफ ही हम अभी फ्राई कर लेंगे, बाकी के लॉट हम नेक्स्ट बैच में फ्राई करेंगे। एक साइड हमें अच्छी तरह से भून लेना है, उसके बाद ही हम इसको पलट देंगे।
चेक कर लेते हैं। अभी हम पलट सकते हैं, कलर आ गई है, अच्छी कलर आ गई है, अच्छी तरह से ये भून भी गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे जो बैच है उसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसी तेल में छौंक लगाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दालचीनी, हाफ इंच दालचीनी है ये, साथ ही डालेंगे दो इलायची। इलायची को मैंने थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है और इसमें डाल देंगे हम एक तेज़पत्ता। चार पाँच सेकेंड हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से, इसकी जो फ्लेवर है तो ऑयल में आ जाएगी। जीरा हाफ टी स्पून जीरा है, जीरा को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून गई है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे कटे हुए प्याज। एक मिक्स दे देंगे। अब हम इनमें डाल देंगे नमक। हाफ टी स्पून नमक है। प्याज को गुलाबी होने तक हम इन्हें भूनेंगे। प्याज अच्छी से भून चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा पेस्ट, जो हमने पीस के रखा था ना वही। टू एंड हाफ चम्मच इसमें जीरा पेस्ट डाल लिया है मैंने। ये कुछ ग्रीन चिलीज है, इसको भी मैं डाल देती हूँ। वन टी स्पून कश्मीरी रेड चिली। हमारे मसाले जल ना जाए इसलिए हम इसमें डालेंगे थोड़े से पानी। मसाले को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, नहीं तो मसाले की जो कच्ची स्मेल है वो रह जाएगी। मसाले को भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हो अच्छे से ये भून गई है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरे। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनको ब्लंच किया गर्म पानी में, फिर उनका छिलका निकाल के हमने प्यूरे बना लिया। टमाटर को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी काजू पेस्ट डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हो तो बिना डाले भी ये बहुत टेस्टी बनती है। इसे भी अच्छी तरह से हमें भूनना है। काजू को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। आप जितना ग्रेवी दोगे उसी के अनुसार सॉल्ट डालना है। मुझे मीडियम ग्रेवी रखना है।
तो मैंने यहाँ पर हाफ चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मसाले को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मसाले मिल गया है। एक उबाल आने पर हम इनमें वड़िया को छोड़ेंगे। अच्छे से उबाल आ गई है, अब इनमें वड़िया को डाल देंगे। अच्छे से एक मिक्स देंगे। वड़ियों को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हमारे भुने हुए आलू। आलू को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, काफी सॉफ्ट हो गई है। हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें लास्ट फिनिशिंग देंगे, थोड़ी सी हम इसमें घी डालेंगे और गरम मसाला। इन्हें एक मिक्स दे देंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, अब हम इन्हें डिश आउट कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब सर्व करते हैं। हमने जो रेसिपी बनाई है बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, अब इसे हम सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कीजिए।